ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए पोर्शन ऑफ द कैटेनरी बी अल्फा एंड बीटा एंड एल इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन. ओके इफ द टू एक्सट्रीमिटीज आर वन साइड ऑफ द कैटेनरी. ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि अगर ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है. क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि द टू एक्सट्रीमिटीज आर वन साइड ऑफ द कैटेनरी. कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक छोटा सा पोर्शन है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, लेंथ ऑफ द पोर्शन एल. ओके और जो कॉमन कैटेनरी के एक साइड में है, जाहिर सी बात है मेरे पास अगर कॉमन कैटेनरी ऐसे है, मान लिया जाइए मेरी कॉमन कैटेनरी ये है, एक एक्सट्रीमिटी तो ये है, दूसरे वाला सिरा इसका ये है. कहना चाह रहा है कि सपोज दैट ये वाला सिरा मेरा बी है और ये वाला सिरा मेरा ए है. क्लियर. कहना चाह रहा है कि इस पोर्शन की जो लंबाई है वो दे रखी है मेरे को एल. क्वेश्चन के अंदर देखो आप, और मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया और यहाँ से ये मान लिया मेरा वर्टेक्स है, ये हुआ मेरा सी. ओके और ये जो है बी से सी की दूरी मैंने मान ली एस. क्लियर. आगे देखता हूँ, द इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पोर्शन ऑफ द कॉमन कैटेनरी बी अल्फा एंड बीटा. अगर मैं इस सिरे से एक स्पर्श रेखा डालता हूँ, यहाँ से इस सिरे से एक स्पर्श रेखा मैंने सपोज दैट ये डाली. कहना चाह रहा है कि ये जो है कितना कोण बनाती है, ये कोण बनाती है बीटा इस सिरे से मान लिया जाए. और अगर इस सिरे से मैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा डालता हूँ तो यहाँ से कहना चाह रहा है कि ये वाला कोण जो है अल्फा बनाती है. क्लियर. एक बार फिर कह रहा हूँ, फर्स्ट एक्सट्रीमिटीज मेरा ये है, सेकंड एक्सट्रीमिटीज मेरा ये है, ये चेन की लंबाई एल है. कहना चाह रहा है कि कॉमन ये जो पोर्शन है चेन का कॉमन कैटेनरी की एक तरफ है. यानी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मेरी जो कॉमन कैटेनरी बनती है वो ऐसे बनती है, क्या तो इस तरफ है पोर्शन या फिर पोर्शन इस तरफ है. मैंने पोर्शन इस तरफ लिया हुआ है. क्लियर. आगे की तरफ देखता हूँ, वन साइड ऑफ द कैटेनरी सो दैट द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी अबव द अदर इज. ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से सेकेंड एक्सट्रीमिटीज यानी दूसरे वाला सिरा है, दूसरे वाले सिरे की अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ एक तो होगी ये. क्लियर. और अगर पहले वाले सिरे की ऊंचाई की बात करूं, पहले वाले सिरे की ऊंचाई होगी ये. क्लियर. आगे कहना चाह रहा है, द हाइट ऑफ द वन एक्सट्रीमिटी अबव द अदर इज, यानी ये वाला सिरा इस वाले सिरे से इतना ऊंचा है. अगर सपोज दैट मैं ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन कोमा वाई वन मान लूं और बी के कोऑर्डिनेट में एक्स टू कोमा वाई टू मान लूं, तो मेरे को जो सिद्ध करना है, मेरे को सिद्ध करना है, जाहिर सी बात है वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ये तो होगा मेरे पास कितना वाई वन होगा, आपके सामने है रिजल्ट. और ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना होगा वाई टू कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से यहाँ तक. कहना चाह रहा है कि जो सिरा है ना, पहले वाला सिरा दूसरे वाले सिरे से इतना ऊँचा है, अर्थात मेरे को सिद्ध करना है टू प्रूव दैट. क्या सिद्ध करना है भाई, टू प्रूव दैट वाई वन माइनस के वाई टू इज इक्वल टू, कितना लाना है मेरे को वाई वन माइनस के वाई टू मेरे को लाना है एल साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई कोस अल्फा माइनस के बीटा डिवाइडेड बाई टू. क्लियर. समझ आ चुकी बात, कोई डाउट तो नहीं है ना. ग्राफ दोबारा बनाता हूँ, ग्राफ दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर कहीं डाउट लगता है आपके क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैटेनरी का एक सिरा है, एक छोटा सा पोर्शन है जिसकी लंबाई एल है, कैटेनरी के एक तरफ है, हो सकता है इस तरफ हो या फिर हो सकता है कैटेनरी के इस तरफ हो. मैंने कैटेनरी के इस तरफ ले लिया जिसकी लंबाई मैंने एल मान ली. बी से मैंने जो मेरे पास एक्सिस ऑफ द कैटेनरी जहाँ वर्टेक्स होता है इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया और बी सी दूरी को मैंने एस मान लिया. बी बिंदु के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स टू वाई टू मान लिए,
ए बिंदु के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वन वाई वन मान लिए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है y1 मेरे पास ये वाली दूरी होगी, y2 मेरे पास ये वाली दूरी होगी। मेरे को सिद्ध करना है y2, सॉरी कि ये वाला जो सिरा है इस वाले सिरे से इतना ऊंचा है। क्लियर, आगे की तरफ चलता हूँ। जो मैंने माना वो आपको लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ क्या है। मैंने माना बी सी इज इक्वल टू एस। क्लियर, आगे देखता हूँ, मैं मान चुका हूँ। और बी सी इज इक्वल टू एच के बाद दिया है, जो मेरे को दे रखा है, दिया है ए बी इज इक्वल टू एल। क्लियर, पोर्शन ऑफ द कैटेनरी है ये है मेरा पोर्शन ऑफ कैटेनरी। और आगे ये भी है कि ये कैटेनरी के वन साइड है, ऑन वन साइड। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ भाई। मैंने क्या किया, माना पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन कोमा वाई वन एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं भाई, बी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स टू कोमा वाई टू। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ। ग्राफ मैंने रख लिया इधर निकाल करके। मैं कह रहा हूँ बिंदु बी पर एट पॉइंट बी, सो पॉइंट बी पर, ओके पॉइंट बी के ऊपर मेरे पास एक फार्मूला होता है। पॉइंट बी पर हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एस बराबर मेरे पास कितना होता है, एस बराबर होता है मेरे पास सी टेन साई। ये फार्मूला होता है कॉमन कैटेनरी का, बेसिक फार्मूला होता है। साई जो है टेंजेंशियल एंगल, स्पर्श रेखा से कोण होता है। मैं बात कर रहा हूँ बिंदु बी की, यानी इस बिंदु की बात कर रहा हूँ। तो एस इज इक्वल टू कितना होगा भाई, तो जाहिर सी बात है एस इज इक्वल टू होगा सी इंटू सी, जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी होती है सी, यहाँ से यहाँ तक आपके सामने है। क्लियर, एस इज इक्वल टू कितना होता है सी इंटू टेन, साई की वैल्यू कितनी है बीटा बिंदु बी के ऊपर। क्लियर, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर वन। नाउ पॉइंट ए पर मेरे पास फिर वही फार्मूला होता है, वी नो दैट, फार्मूला क्या होता है भाई, एस इज इक्वल टू होता है सी टेन साई, साई जो है टेंजेंशियल एंगल यानी स्पर्श रेखीय कोण होता है। तो जब मैं बिंदु ए की बात करूँगा, मेरे पास एस की जो ये है बिंदु ए, एंगल तो हो चुका है अल्फा, और टोटल लंबाई कितनी हुई एस प्लस के एल। ध्यान से देखो आप, यहाँ से यहाँ तक एस और यहाँ से यहाँ तक एल, इस पॉइंट से ट्रीट की जाती है लंबाई सी से। बिंदु ए पर कितना होगा भाई, एस प्लस के एल इज इक्वल टू कितना हुआ सी इंटू टेन एल हुआ, इक्वेशन नंबर टू। कोई प्रॉब्लम, आगे की तरफ देखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सेकेंड इक्वेशन के अंदर से फर्स्ट को घटाने पर, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को घटाने पर देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। सेकेंड इक्वेशन के अंदर से जैसे ही मैं फर्स्ट घटाऊँगा, मेरे पास s प्लस के एल, इसमें से घटाया मैंने कितना
माइनस के एस कर दिया, बराबर इस तरह मेरे पास कितना है, सी टेन अल्फा है, इसके अंदर से मैंने घटाया सी टेन बीटा, ये तो इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी निकली भाई, एल बराबर हुआ सी टेन अल्फा माइनस के सी टेन बीटा, एल इज इक्वल टू सी, मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास निकला टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, सी की वैल्यू निकाल ली, सी बराबर कितना निकला भाई, एल अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, इस वैल्यू का मैं यूज़ करूँगा। आगे देखता हूँ, मेरे पास एक फार्मूला होता है भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं कैटेनरी के लिए वाई इज इक्वल टू कितना होता है, सी इंटू सेक्स आई, सूत्र से ओके okay? आगे देख रहा हूँ, हमारे पास वाई इज इक्वल टू सी सेक्स आई फार्मूला होता है, तो पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर वाई इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा मेरे पास वाई वन इज इक्वल टू कितना होगा भाई, सी इंटू सेक, टेंजेंशियल एंगल कितना बना हुआ है अल्फा, क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास पॉइंट ए पर जो निकला, एक बार फिर लिख रहा हूँ उसके बाद करूँगा, पहले तो सी की वैल्यू लिख लो आप, सी मेरे पास कितना रखा है भाई, सी बराबर है एल अपॉन टेन अल्फा माइनस के टेन बीटा है ओके, ये तो मेरे पास सी की वैल्यू है, और पॉइंट ए पर वाई वन कितना निकला हुआ है, वाई वन होगा सी इंटू सेक अल्फा, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है ओके। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ पॉइंट बी पर, अब आगे की बात करता हूँ, पॉइंट बी पर मेरे पास वही फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है भाई, वाई बराबर सी इंटू सेक्स आई, इस फार्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पॉइंट बी के ऊपर वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई टू इज इक्वल टू सी इंटू सेक, साई की जगह एंगल कितना है, एंगल बीटा आपके सामने है, सेक बीटा। आगे देखता हूँ भाई, मेरे को जो रिजल्ट लाना है, मेरे को लाना है y1 माइनस के y2 ओके, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सपोज दैट b है, मैंने क्या किया b इक्वेशन से a को सब्सट्रैक्ट करने पर देखता हूँ भाई इक्वेशन बी क्या है, या इक्वेशन ए से वाई वन माइनस वाई टू चाहिए ना, वाई वन आप करो ए से बी को सब्सट्रैक्ट, बी को कर रहा हूँ किससे, ए से, चलो भाई वाई वन माइनस ये हुआ मेरे पास वाई टू, बराबर इस तरफ मेरे पास है सी सेक अल्फा माइनस सी सेक बीटा, क्लियर। ये निकला वाई वन माइनस के वाई टू बराबर सी, मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास हुआ सेक अल्फा माइनस सेक बीटा। आगे देखता हूँ सी की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है भाई, सी बराबर है मेरे पास, सी बराबर कितना है एल अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, यही है ना ओके। मैं कह रहा हूँ
कि सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर वाई वन माइनस के वाई टू इक्वल टू, सी की वैल्यू डाल दी एल अपॉन टेन अल्फा माइनस, ये हुआ मेरे पास टेन बीटा, ऊपर मेरे पास आ रहा है सेक अल्फा माइनस सेक बीटा, क्लियर। यहाँ से मेरे पास हुआ वाई वन माइनस के वाई टू इज इक्वल टू एल इन टू, ऊपर हुआ वन अपॉन कोस अल्फा माइनस वन अपॉन कोस बीटा, बटे हुआ मेरे पास टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा ध्यान से देखना है, ये मेरे पास निकला वाई वन माइनस के वाई टू इज इक्वल टू एल, तो बाहर है ही, मैंने क्रॉस गुणा किया कोस बीटा माइनस के कोस अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा इंटू कोस बीटा डिवाइडेड बाई, क्रॉस गुणा किया मैंने साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा कोस बीटा, भाई ये तो इससे कैंसिल आउट, क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास क्या हुआ वाई वन माइनस के वाई टू इज इक्वल टू एल तो है ही ऊपर, ये बना मेरे पास कोस बीटा माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, क्लियर। यहाँ से मेरे पास निकला वाई वन माइनस के वाई टू इज इक्वल टू एल इन टू कोस बीटा माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी साइन अल्फा माइनस के बीटा, क्लियर। मेरे पास एक फार्मूला होता है बेटा कोस सी माइनस कोस डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बटे दो और साइन सी माइनस डी बटे दो, इस फार्मूले का यूज़ करने जा रहा हूँ। ऊपर मेरे पास यहाँ से निकला वाई वन माइनस के वाई टू इज इक्वल टू एल इन टू कोस सी माइनस कोस डी, कितना निकला टू साइन सी प्लस डी, बोले तो अल्फा प्लस के बीटा बटे दो और ये हुआ साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो, और यहाँ बटे में कितना है भाई, ये है मेरे पास साइन अल्फा माइनस के बीटा। आगे देख रहा हूँ वाई वन माइनस के वाई टू इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास टू एल साइन अल्फा प्लस के बीटा बटे दो और साइन अल्फा माइनस के बीटा बटे दो डिवाइडेड बाई, साइन टू ए का फार्मूला होता है टू साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो और कोस अल्फा माइनस बीटा बटे दो, किस फार्मूले का यूज़ किया साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए इंटू क्या कोस ए, इस वाले फार्मूले का मैंने यूज़ कर लिया। ओके आगे की तरफ चलता हूँ भाई, यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट आया ऊपर वाला देखता हूँ क्या निकला, ऊपर वाला मेरे पास निकला वाई वन माइनस के वाई टू इज इक्वल टू टू एल साइन अल्फा प्लस बीटा बटे दो साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो बटे टू साइन अल्फा माइनस बीटा बटे दो और कोस
अल्फा माइनस बीटा बटे दो, दो से दो कैंसिल, साइन अल्फा माइनस बीटा से साइन अल्फा माइनस बीटा कैंसिल, कितना निकल कर के आया, वाई वन माइनस के वाई टू बराबर एल इंटू साइन अल्फा प्लस के बीटा बटे दो बटे कोस अल्फा माइनस के बीटा बटे दो, और यही मेरे को रिजल्ट सिद्ध करना था। क्लियर, एक बार और बता रहा हूँ आपको बेटा, आपका कोई डाउट ना लगना चाहिए, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है इंक्लाइनेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, एक सिरे से एक एंगल तो है बीटा, ऑफ द कॉमन कैटेनरी बी अल्फा एंड बीटा। कहना चाह रहा है कि इस सिरे से अगर जो है टेंजेंशियल एंगल बीटा है तो इस सिरे से टेंजेंशियल एंगल अल्फा है। तो मेरे को कहना चाह रहा है कि ये जो इस सिरे के ऊपर ऊंचाई है और इस सिरे के ऊपर जो ऊंचाई है, दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो मेरे को ये लाना था, ओके। और यही मेरे ख्याल से मेरा आंसर होगा, ओके। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड द नेम ऑफ माय चैनल इज मैथमेटिशियन विंग्स। ओके, बाय।